लेट्स डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिनॉन सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला इंसान था हेनरी बेक्विरल। अब बेक्विरल साहब ने देखा कि यूरेनियम सॉल्ट्स इमिटेड सर्टन इनविजिबल रेस जो फ्लोरोसेंट मटेरियल को टकराते ही सेंटिलेशन प्रोड्यूस किए। वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। सो देन ही केम टू कंक्लूजन दैट समथिंग गॉट इमिटेड, आई मीन इनविजिबल रेस विच स्ट्राइक्स ऑन दैट फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिसके वजह से सेंटिलेशन दिखाई दिया। तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? इट इज ए न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद केमिकल रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस, याद रहे। अब एखादे सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कब कहेंगे? अगर उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो। तो आगे चल के हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो अब ये रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मान के चलो एखादा एटॉमिक न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो डेफिनेटली उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह से वो स्टेबिलाइज हो। तो स्टेबल होने के लिए वो इमिशंस देगा, रेडिएशन इमिट करेगा। उसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाना चाहिए। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियाई ऑफ सर्टन एलिमेंट्स अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन विथाउट एक्साइटेशन by any external means is known as radioactivity। अब ये जो भी एलिमेंट ये काम करेगा उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहना चाहिए। सो एलिमेंट्स विच अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट्स विच अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एंड इमिट्स रेडिएशन इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहना चाहिए। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है वो मैडम क्यूरी ने सजेस्ट किया। मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी, इन्होंने ये नाम दिया है। अब रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स हम देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी के लगभग दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। सो वेरी फर्स्ट टाइप इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? सब्सटेंस खुद ब खुद नेचुरली इमिशंस बाहर देता है। जैसे यूरेनियम, तो उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल होने के लिए वो खुद ब खुद जो है रेडिएशंस बाहर फेंकेगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वैसे रेडियो एक्टिविटी को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहना चाहिए। सो इफ सब्सटेंस इमिट्स रेडिएशन बाय इटसेल्फ देन it is said to be natural radio activity, उसको हम लोग natural radio activity कहेंगे। अब दूसरा जो प्रकार है, second type is artificial radio activity। देखिए artificial radio activity नाम से पता चलता है,
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मीन्स एक स्पेसीज होगा, एक सब्सटेंस होगा, उसका न्यूक्लियस हम टारगेट कंसिडर करेंगे और उसके न्यूक्लियस के ऊपर एक फास्ट मूविंग जो पार्टिकल होगा उसकी हम बम्बारेडिंग करेंगे. आई मीन फास्ट मूविंग पार्टिकल विल कोलाइड टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ कोलिजन होने के वजह से वो फिर इमिशन स्टार्ट करेगा. दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहना चाहिए, याद रखना. सो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो स्टेबल था उसे हम जबरदस्ती अनस्टेबल कर रहे हैं. सो कन्वर्शन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इंटू अनस्टेबल वन एंड देन इट इमिट्स रेडिएशन अब ये काम कैसे होगा, दिस कैन बी डन बाय बम्बारडिंग. सो दिस इज डन बाय बम्बारडिंग अ न्यूक्लियस विथ फास्ट मूविंग पार्टिकल सो जब हम फास्ट मूविंग पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर तब वो स्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और इमिशन स्टार्ट कर देगा. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस अब देखिए रेडियो एक्टिव इमिशन का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रदरफोर्ड साहब ने स्टडी किया. अब उन्होंने क्या किया, ही टुक अ लीड बॉक्स और उसके अंदर यूरेनियम मटेरियल दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने लिया, फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज किया. उसके बाद उन्होंने देखा जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो रेडिएशंस वहां से निकले, कुछ रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट के पॉजिटिव पोल के तरफ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रेडिएशंस निगेटिव पोल के तरफ और कुछ अनडिफ्लेक्टेड रहे और सीधा स्ट्रेट वे अटैक किए फोटोग्राफिक प्लेट पे. सो इस आधार पर उन्होंने उनको नाम दिया अल्फा बीटा और गामा. याद रखे जो पार्टिकल निगेटिव पोल के तरफ डिफ्लेक्ट हुए डेफिनेटली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इसलिए उनको बोला गया अल्फा. जो पॉजिटिव पोल के तरफ डिफ्लेक्ट हुए दोज वेर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उनको नाम दिया गया बीटा. एंड द रेज विच रिमेन अनडिफ्लेक्टेड एंड अटैक स्ट्रेट वे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट उनको नाम दिया गया गामा. सो इस प्रकार से इमिशंस का नेचर बाद में स्टडी की गई. तो सबसे पहले याद रखे नेचर ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय रदरफोर्ड सो रदरफोर्ड ने इन्वेस्टिगेट किया कैसे, बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो व्हेन दीज रेडिएशंस आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देन दीज वेयर स्प्लिट इनटू अल्फा बीटा एंड गामा. याद रखे यानी डिफ्लेक्शंस उन्होंने शो करा. सो व्हेन दीज रेडिएशंस आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, देन दीज वेयर स्प्लिटेड इंटू अल्फा बीटा एंड गामा. अब इनके हम लोग वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब अल्फा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा. तो सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करो, अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हेलियम न्यूक्लियस. इट इज 4 टाइम्स हेवियर देन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, याद रखें. सो अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हेलियम न्यूक्लियस. ये हेलियम न्यूक्लियस से इक्विवेलेंट है, यानी इट इज 4 टाइम्स हेवियर देन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हेंस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट, याद रखें. सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दस गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट. अब इसकी जो वेलोसिटी है, इट इज अराउंड 1/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब हेवियर होने के वजह से स्वाभाविक है इसकी वेलोसिटी कम होगी. सो याद रखें, इट्स वेलोसिटी इज 1/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. उसके बाद इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, यानी टेंडेंसी टू अंडर वो पेनिट्रेशन, आर पार निकलने की जो क्षमता है, वेलोसिटी कम होने के वजह से पेनिट्रेटिंग पावर कम है. लेकिन बीइंग मासिव, इट्स आयोनाइजिंग पावर इज हाई, याद रखें. सो इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस, बट आयोनाइजिंग पावर इज हाई, पावर टू कॉज आयोनाइजेशन इज हाई, याद रखें. अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते और अल्फा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अल्फा पार्टिकल के बाद लेट्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनादर रेडिएशन गिवन, दैट इज बीटा पार्टिकल. सो अल्फा के बाद हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल की और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की. सो लेट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा पार्टिकल. इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है बीटा से. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन. इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हेंस गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, याद रखें. सो इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन. ये सबसे पहली बात. दूसरी बात, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. सो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दस गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, याद रखें. अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 9/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट.
यानी क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, ये चीज याद रखें. सो इट्स वेलोसिटी इज 9/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब वेलोसिटी जबरदस्त होने के वजह से इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो काफी जबरदस्त होगा. सो इट हैज हाई पेनिट्रेशन, इट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर. लेकिन मास कम होने के वजह से आयोनाइजिंग पावर जो है वो कम होगा, याद रखें. सो इट हैज लो आयोनाइजिंग पावर. यानी अगर हम अल्फा पार्टिकल के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले कितना तो भी कम आयोनाइजिंग पावर इसका होगा, बहुत बहुत कम, क्योंकि लाइटर है. अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सो इसको देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मास, मास इसका जीरो, लेकिन चार्ज -1, सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन. अब बीटा पार्टिकल के बाद अगला पड़ाव गामा रेस. सो गामा रेस के बारे में एक चीज आप समझ लें कि गामा रेज आर सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन. यानी कोई भी न्यूक्लियस पहले गामा इमिट जो है नहीं करेगा, पहले या तो अल्फा या बीटा इमिट होगा. अल्फा बीटा इमिशन के बाद न्यूक्लियस एक्साइट होगा, एक्साइटेड जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो एक्सेसिव एनर्जी बाहर देगा, जिसे हम क्वांटम ऑफ गामा कहते हैं. सो लेट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा रेज. अब गामा रेज का रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले इट इज मासलेस एंड चार्जलेस, दैट्स व्हाई इट अटैक्स स्ट्रेट वे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. सो इट इज मासलेस एंड चार्जलेस, दस अटैक स्ट्रेट वे, दस अटैक स्ट्रेट वे ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट विथाउट एनी डिफ्लेक्शन. उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, सो इट्स वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ लाइट. वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने के वजह से इसका पेनिट्रेटिंग पावर काफी हाई होता है. याद रहे गामा रेज आर इवन मोर पेनिट्रेटिंग देन एक्स रेज. सो इट्स पेनिट्रेटिंग, इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई, इवन ग्रेटर देन एक्स रेज. याद रखे आयोनाइजिंग पावर इज वेरी लो, क्योंकि मासलेस है. सो इट्स आयोनाइजिंग पावर इज वेरी लो. अब आयोनाइजिंग पावर मास पे डिपेंड करता है. अगर पार्टिकल का मास बहुत कम हो तो डेफिनेटली आयोनाइजिंग पावर कम आएगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव emissions like alpha, beta and gamma.